हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कोचिंग में। और अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब की पट्टी दी गई है, तो सब्सक्राइब को क्लिक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n2, किसी एपी की nth टर्म का सम है 4n - n2, तो हमें बताना व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी पहली टर्म क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म का सम क्या है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, इसकी सेकेंड टर्म क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस एपी, इसकी इसी तरीके से हमें तीसरी टर्म भी बतानी होगी, टेंथ वाली टर्म भी बतानी होगी, और इसकी nth टर्म क्या होगी ये भी हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, इसको बड़े आसान से और आराम से समझना है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें गिविन है सम ऑफ nth टर्म, यानी कि हमें Sn दिया हुआ है। Sn क्या है हमारा, Sn है हमारा 4n - n2। उसने कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी पहली टर्म क्या है, तो पहली टर्म में हमें ए निकालना होगा। अच्छा, मैं समझ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। सपोज दैट आपके पास है कि ये एपी है 2, 5, 8, 11, 10, 10। मान लो आपके पास ये एक एपी है, मैं इस एपी में आपसे पूछता हूं कि मुझे पहली टर्म का सम बताइए कि पहली टर्म का सम क्या है। तो अगर आप इस एपी में चेक करोगे तो एपी में आपको क्या दिखाई देगा कि पहली टर्म तो हमारी ये है, और अगर मैं इसी टर्म का सम पूछता हूं तो जो मेरी पहली टर्म है ना वो उसके सम के इज इक्वल टू ही होता है। पहली टर्म जो होती है वो पहली टर्म के सम के इज इक्वल टू ही होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी पहली टर्म है वो एस वन के इज इक्वल टू हो जाएगी। सो मैं यहां पर लिखूंगा कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, एस वन होगा। एज कल टू क्या, एस वन, और एस एन की वैल्यू दे रखी 4n - n2। तो अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो मुझे मेरी पहली टर्म मिल जाएगी। तो हमारी पहली टर्म हो जाएगी 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, हमारा 4 × 4 और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 4 में से 1 गया, कितना हुआ 3। तो हमारी यहाँ पे पहली टर्म 3 हो चुकी है, ये हमारी पहली टर्म आ गई है। उसके बाद उसने कहा क्या, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म का सम क्या होगा। तो पहली दो टर्म का सम है, यानी कि उसने पूछा है S2 का मींस, अब ये जो हमें कंडीशन दी है Sn, जो nth टर्म का सम दिया है 4n - n2, इसमें मैं n इक्वल टू कितना पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, क्योंकि मुझे 2 चाहिए। तो 4 × n के प्लेस पर 2 रखूंगा और -2 का स्क्वायर कर दूंगा। 4 × 2 = 8 और -2 × 2 = 4, 8 - 4 = 4 हो गया। तो मेरी ये सम ऑफ टू टर्म, पहली दो टर्म का क्या आ गया, हमारा सम आ गया। उसके बाद उसने कहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल टू होता है हमारा Sn - Sn - 1। यानी कि अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो मुझे nth टर्म के सम में से उन जितने भी टर्म का सम है उससे एक कम वाली टर्म के सम को फाइंड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब मुझे nth टर्म मिल जाएगी। बात करते हैं हमारी सेकंड टर्म की, तो अगर मैं यहाँ पे a2 लिखता हूं तो इसका मींस क्या हुआ, a2 इज इक्वल टू n के प्लेस पर मैं 2 रखूंगा, तो अगर यहाँ पे आप देखो तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, s2 - 2 - 1 s1। तो a2 हो जाएगा मेरा s2 - s1। s2 सम ऑफ टू टर्म हमारा 4 आया है, और माइनस सम ऑफ वन टर्म जो हमारा a था वही हमारा सम ऑफ वन टर्म भी है 3। तो a2 मेरा 4 - 3 = 1 हो जाएगा, तो मेरे सेकंड टर्म जो है वो यहाँ पे 1 आ जाएगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, इसी के जैसे थर्ड टर्म फाइंड करो और टेंथ टर्म भी फाइंड करो। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करता हूं तो मैं यहां से अगर a3 मुझे फाइंड करना हो तो a3 का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ a+2d, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a+n - 1 × d। तो a3 = a+3 में से 1 गया, कितना हुआ 2d। अब मुझे d भी निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, d = second term - first term होती है। किसी भी एपी की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। a2 हमारा आया था 1 और a हमारा आया था 3, तो 1 - 3 = -2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया, 2 आया। अब मैं इसकी हेल्प से जितनी चाहे टर्म हो मुझसे पूछो, मैं सबकी सब आपको बता सकता हूँ, और आप ऐसे ही एग्जाम में भी कर सकते हो। तो a3 = a+2d है, a की वैल्यू मेरी 3 है +2 × और d की वैल्यू है -2। यहाँ पे 3 + 2 = -4,
माइनस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस वन। तो मेरी तीसरी टर्म जो है यहाँ पे माइनस वन आ चुकी है। उसके बाद उसने मुझसे पूछा है कि उसकी टेंथ टर्म क्या होगी। अगर मैं टेंथ टर्म की बात करूं तो इसी के जैसे जैसे मेरा ए थ्री ए प्लस टू डी था, तो टेंथ टर्म मेरा हो जाएगा ए प्लस नाइन डी, क्योंकि एन माइनस वन होता है। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू हमारी है थ्री प्लस नाइन इन टू, और डी की वैल्यू हमारी आई है माइनस के टू। यहां से थ्री और नाइन टू जा माइनस एटीन, एटीन में से थ्री माइनस करेंगे माइनस फिफ्टीन हो जाएगा। तो मेरी टेंथ टर्म जो है यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो भी बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि आपका सजेशन ही हमारा इंप्रूवमेंट है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम और ज्यादा अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। अब हमारी टेंथ टर्म भी आ गई। अब उसने पूछा एंथ टर्म क्या होगी, तो भाई ए एन एंथ टर्म हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। पहली टर्म हमारी यहाँ पे थ्री आई थी प्लस एन माइनस वन, और डी हमारा कितना है यहाँ पे, डी हमारा है माइनस के टू। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा थ्री प्लस माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारा माइनस टू एन और माइनस माइनस प्लस टू आ जाए, थ्री टू फाइव माइनस टू एन। तो हमारी जो एंथ टर्म हो जाएगी इस एपी की फाइव माइनस टू एन हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।